सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। झारखंड कैस कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए दावे किए जा रहे हैं और अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जिस तरह से झारखंड कैस कांड में चार विधायकों का नाम सामने आया, तब सोनिया गांधी ने इन चार विधायकों को तुरंत ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया और अब इस कैस कांड से कनेक्शन बीजेपी के भी जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि बीजेपी मिशन लोटस जो है वो चला रही है और ऐसे में हर राज्य में जो है कांग्रेस और जहां पर विपक्ष की सरकार है उसे गिराने की कोशिश में बीजेपी लगी है। लेकिन अब यहां पर एक नया खुलासा जो है कैस कांड को लेकर हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस से निष्कासित विधायक इरफान अंसारी के पिता ने एक तस्वीर साझा की है जिसके बाद फिर से सनसनी मचते हुए दिखाई दे रही है। पहले तो आपको बता दें कि ये तस्वीर क्या है। इस तस्वीर में कांग्रेस के निष्कासित विधायक और साथ ही आसाम के सीएम साथ में नजर आ रहे हैं और अब इसी से तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं कि किस तरह से झारखंड के कैस कांड में नया खुलासा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड कैस कांड में कांग्रेस से निष्कासित विधायक इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी ने एक तस्वीर जारी कर सनसनी मचा दी है। इस तस्वीर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, असम के सीएम हेमंत बिश्वास सराम और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह नजर आ रहे हैं। तस्वीर जारी कर फुरकान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस विधायक अनूप सिंह खुद असम सीएम से मिला करते थे। अनूप सिंह वही विधायक है जिन्होंने कैस कांड सामने आने के बाद तीनों आरोपी विधायकों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई थी। झारखंड के बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने अपनी ही पार्टी के तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोगाड़ी पर झारखंड सरकार को अस्थिर करने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। लेकिन अब जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, कहीं ना कहीं इस झारखंड कैस कांड से बीजेपी के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इससे पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए बीजेपी बड़ी साजिश रच रही थी और इसी साजिश के तहत जो है बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही थी और आज जो कैश यहां पर मिले हैं, बरामद हुए हैं पुलिस को, वो दरअसल बीजेपी ने ही रिश्वत के तौर पर दिए थे। लेकिन जिस तरह से इस कैश कांड में एक नया पहलू सामने आया है, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, उसके बाद अब असम के सीएम के तार जो है इन विधायकों से जोड़कर देखे जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।